हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ऑर्गेनिक का हमारा चैप्टर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अब देखिए, सबसे पहले एक टर्म आता है हेलो। ये जो हेलो है ये आया है हेलोजन से, ठीक है। अब हेलोजन्स क्या होते हैं? हेलोजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अब ये एक्स क्या है? ये एक्स होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके होते हैं हेलोजन्स। एल्केन्स आपको पता है, एरिन्स आपको पता है। एल्केन्स क्या होते हैं? जैसे एल्केन्स मान लीजिए CH3, CH2, CH3, ये मैंने बना दिया प्रोपीन। एरीन, एरीन में हम क्या बनाते हैं? एरीन में हम बनाते हैं बेंजीन, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमें क्या करना है? इस हेलोजन को इस एल्केन के साथ ऐड कर देना है, इस हेलोजन को इस एरीन के साथ ऐड कर देना है। अब हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं यहां से, CH3, CH2, CH2, X। भाई 3 थे यहां पर, हटा दिया, एक एक्स लगा दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है? अंडरस्टूड है, हर एक पोजीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन है। आप यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, कर दिया। और रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया? हमने कोई हेलोजन लगा दिया, ठीक है। रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया? कोई हेलोजन लगा दिया। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हेलो एरिन्स, और ये क्या होगा? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स क्या होता है? जब हमारा हेलोजन जुड़ जाता है एल्केन्स के साथ, हेलो एल्केन्स, और जब हेलोजन जुड़ जाएगा एरिन के साथ तो उसको बोलेंगे हेलो एरिन। IUPAC कैसी होती है इनकी? भाई IUPAC भी करना ज़रूरी है। IUPAC नॉर्मल देख लेते कैसे होती है। कितने कार्बन है? हम यहाँ पर एक जोड़ लेते हैं CH3, CH2, CH2, Cl। कितने कार्बन? 1, 2, 3, ठीक। और क्या है? क्लोरो, क्लोरीन, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी। 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोपेन, प्रोपेन। अगर यहां पर Cl की जगह Br होता, 1 ब्रोमो, प्रोपेन। उसी तरीके से हम यहां पर हेलो एरिन की IUPAC करके देख लेते हैं। एक हमने ले लिया एरिन ले लिया, इसमें हमने Cl जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। इस तरीके से इनकी IUPAC होती है, ठीक है। इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ये जो हमारा चैप्टर है ये आपको क्लियर दिख रहा है दो पार्ट में, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। हेलो एल्केन की आपको थोड़ी सी जनरल IUPAC करनी है, हेलो एरिन की भी IUPAC करनी है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर लास्ट में हमें क्या पढ़ना है? लास्ट में हमें एक चीज पढ़नी है, यूजेस, यूजेस ऑफ पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड। IUPAC प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। IUPAC प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एट द एंड यूजेस ऑफ पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिए अब हम कवर करते हैं हेलो एल्केन को, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वही मैं करवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हम वो कर रहे हैं, आर ओ एच मतलब एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं एस ओ सी एल टू के साथ, ये जो ओ एच है रिप्लेस कर देना है आपको किससे, हेलोजन से। ये क्या था, एल्कोहल, ये क्या है, हेलो एल्केन, क्या था, एल्कोहल, क्या बना, एल्केन, कौन सा एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। आर क्या है सर, ये आर, व्हाट इज दिस, एल्काइल ग्रुप, आर की जगह सी एच थ्री लगा दो, यहां पर लगा दो ओ एच, रिएक्शन करवा दो एस ओ सी एल टू के साथ, क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एल। आई यू पी ए सी नेमिंग यहीं पे सीख लो करते करते, क्लोरो क्यों करा, सी एल क्लोरो, एक कार्बन मीथेन, क्लोरो मीथेन किससे बनाया, ओ एच है, नेमिंग यही सीख लो आईयूपीएसी, मैथेनॉल, मैथेनॉल ऑल क्यों, क्योंकि ओ एच है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे फटाफट से, आगे चलते हैं। पहली प्रिपरेशन हमने किससे कर दी, एल्कोहल से, ठीक है। दूसरी प्रिपरेशन हम करते हैं व्हाट इज दिस, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, किसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए, एच एक्स के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एच एक्स के साथ रिएक्शन होगी। ये कैसा है, सिमेट्री, दोनों के पास कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास बराबर हाइड्रोजन है, सिमेट्री, कम ज्यादा होते अगर हाइड्रोजन अनसिमेट्री, सिमेट्री के केस में किसी को कहीं पर भी जोड़ दो, मैं H को यहां जोड़ देता हूं, X को यहां जोड़ता हूं, क्या बनेगा, CH3 के साथ क्या जुड़ रहा है, X, CH2 के साथ क्या जुड़ रहा है, X, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 क्या जोड़ दिया, H, मतलब हमारा क्या बन गया, XCH2CH3 बन गया ना। अब X क्या है, हेलोजन, अंडरस्टूड है। तो दूसरी प्रिपरेशन हमारी यहां पर कंप्लीट होती है किससे, एल्कीन की, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, जोड़ दीजिए। अब अगर अनसिमेट्री का केस होता, मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए यहां पर इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन। अब अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं एच एक्स के साथ, हम ले लेते हैं, चलो एच सी एल ले लिया, यहां पर एच सी एल, सी एल कैसा पार्ट है, सी एल के ऊपर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट जाके वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जहां पर हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास वहां जाके नेगेटिव पार्ट जोड़ना है, जोड़ दो सर, क्या बनेगा, CH3 CH
सी एच के साथ क्या जुड़ जाएगा, सी एल, क्लोरीन, डबल बॉन्ड खत्म, सिंगल बॉन्ड, सी एच टू के साथ कुछ जुड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, सी एच टू और H जुड़ गया। इस रूल का नाम है मार्कोवनीकोव रूल फॉर एडिशन, मार्कोवनीकोव रूल, मार्कोवनीकोव रूल ने बोला है नेगेटिव पार्ट जाके उस कार्बन एटम में जुड़ेगा डबल बॉन्डेड जहां पर हाइड्रोजन कम होने चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं, एंटी मार्कोवनीकोव रूल फिर हमें करना है, ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करिए। चलिए, ऊपर वाली रिएक्शन में मिटा रहा हूं, मुझे कंपैरिजन करना है एक दूसरा एंटी मार्कोवनीकोव रूल से, ठीक है। इस ही रिएक्शन को लिखते हैं, सब कुछ ऐसा ही होगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एच सी एल, क्या है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड कैसे होते हैं, जैसे मान लो एच टू ओ टू, ठीक है, पर ऑक्साइड ये होता है, पर ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें ये वाला बॉन्ड हो, परऑक्साइड बोलते थे। चलिए फिलहाल अभी हम परऑक्साइड हमने लिख दिया है, परऑक्साइड। अभी तक क्या था, जो नेगेटिव पार्ट था वो कहाँ जुड़ रहा था, जहां पर हाइड्रोजन कम थे, यहां पर हाइड्रोजन कितना था, एक, यहां पर हाइड्रोजन कितने थे, दो। अभी तक आपने कहाँ जोड़ा था, इसको जोड़ा था यहां पर, जोड़ा था सर हमने तो, अब आपको यहां पर नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है कहां पर, जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि परऑक्साइड है, परऑक्साइड का मतलब एंटी मार्कोनी, एंटी का मतलब उल्टा, उसका अपोजिट, एंटी उल्टा अपोजिट, तो एच कहां जुड़ेगा आपकी बार, जहां पर हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट सी एल कहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, बना दो प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2, आगे क्या जुड़ गया, Cl, मैंने हाइड्रोजन एक साथ कंबाइन करके लिख दिया, एक H था एक और जोड़ा H2 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है। एंटी का मतलब है कि नेगेटिव पार्ट जाके वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। मार्कोवनीकोव रूल में नेगेटिव पार्ट जाके उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, नोट डाउन करिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है, करिए इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, सिमेट्री का केस होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी Cl जोड़ो, कहीं पर भी H जोड़ो। अनसिमेट्री का पार्ट आता है, देख लेना ध्यान से, अनसिमेट्री है या सिमेट्री है, अनसिमेट्री का पार्ट आता है, तो एक बंदे को याद रखना मार्कोवनीकोव रूल और एंटी मार्कोवनीकोव रूल, परऑक्साइड देख लेना, परऑक्साइड का मतलब एंटी, परऑक्साइड नहीं है और कोई हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ रहे हो तो भैया आपको याद रखना है कि मार्कोवनीकोव रूल लगेगा, मार्कोवनीकोव रूल लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब मेरे पास है CH3Cl, हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैं अगर करवाता हूं NaI के साथ, ये I यहां रिप्लेस कर देगा Cl को, कहेगा तू जा, कहने का मतलब ये इसके साथ तो खैर अटैक नहीं करेगा, यहां पर कार्बन, Cl को कहेगा आप जाओ, Cl कहेगा मैं जा रहा हूं, CH3I+NaCl, एक हेलोजन था, दूसरे हेलोजन आ गया,
रिप्लेस कर दिया, एक्सचेंज हो गए। इस वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस वाली रिएक्शन को बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, आयोडीन का आना, पहले वाले हैलोजन का जाना, इस कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। CH3Cl AgF क्या बन सकता है? देखो जरा ध्यान से, क्या है यहां पर Cl, यहां पर क्या है F, तो F रिप्लेस करेगा Cl को, क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, क्या आएगा CH3F फ्लोरीन AgCl। रिएक्शन का नाम है स्वार्ट। ऊपर वाले का नाम फिंकलस्टीन। जब आई आएगा फिंकलस्टीन और जब एफ आएगा स्वार्ट। नोट डाउन करो इसे फटाफट से, दोनों की दोनों है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करिए फटाफट से। ठीक है, ये भी एक तरीके की प्रिपरेशन में आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे, अब हमारे पास क्या है आगे प्रिपरेशन में, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, प्रिपरेशन में हमारा इतना पार्ट होता है, और इसके अलावा इक्का दुक्का अगर कहीं पर रिएक्शन है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन स्वार्ट रिएक्शन, मार्कोनी कोव रूल, एंटी मार्कोनी कोव रूल, और प्रिपरेशन फ्रॉम किससे, एल्कोहल से। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आगे अब हम चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते पहले। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, इसकी क्या करेगा, CH3X हेलो एल्केन ले लिया, रिएक्शन इसकी मैंने करवा दी, सपोज करिए Mg मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम के साथ जैसे आप रिएक्शन करवाएंगे, ये बन जाएगा CH3MgX। Mg क्या है, मैग्नीशियम, क्या बन गया Mg आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रिग नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है, CH3X+Na, दो Na ले लेते हैं, दो सोडियम और CH3X। अब क्या हो जाएगा, ये Na, ये वाला X, ये वाला X हैलोजन, ये निकल जाएंगे, ये बना लेंगे 2NaX। बचे कौन, ये वाला जोड़ दो दोनों को, जोड़ दिया सर, जुड़ गए ना। नाम बता सकते हो इसका क्या है, एक कार्बन था, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ, कहीं पर डबल दिख रहा है, ट्रिपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एन। क्या है भैया इसका नाम, वुड्स रिएक्शन।
वुड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दो नई नई टर्म्स आ रही हैं याद, टर्म्स याद करनी है, टर्म्स कहाँ पर क्या आ रहा है। दो सोडियम लिए, दो हेलोजन लिए, हेलोजन को लेके चले जाएगा, सॉरी हेलो एल्केन को ले लिया, दो वहाँ से हेलोजन जुड़ जाएंगे सोडियम के साथ, और दो रिमेनिंग पार्ट जो एल्केन वाले पार्ट वापस में जुड़ जाएंगे। CH3X था, Mg बीच में आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है लिख लीजिए इसे। चले आगे, आगे हमें और क्या पढ़ना है इसमें, रिएक्शन विद मेटल हो चुका, ठीक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें रिएक्शन है वो है इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने ले लिया CH3Cl, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ KCN के साथ, KCN, या फिर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ AgCN के साथ, या फिर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ KNO2 के साथ, या फिर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ AgNO2 के साथ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, इस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग, नेगेटिव साइन होगा उनके ऊपर, एक नेगेटिव साइन वाला आएगा रिएजेंट दूसरे को भगा देगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहां से मैं आपको एक हिंट देता हूं, यहां पर क्या है, KCN का मतलब CN नेगेटिव, CN बैठा हुआ है यहां पर, आएगा CN कहेगा CL चलो आप जाओ, अब हमें हमारा काम करने दीजिए, क्या बना देंगे CH3CN, क्या निकल गया CL नेगेटिव। एक न्यूक्लियोफाइल आया दूसरे को भगा दी, AgCN के साथ क्या होगा CH3NC, ऊपर बना साइनाइड CN आइसोसाइनाइड, क्या निकल गया CL नेगेटिव, KNO2 CH3ONO प्लस CL नेगेटिव, CH3ClAgNO2 CH3NO2 और CL। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, इस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने हैं, कन्फ्यूजन वाले हैं, कहीं पर कोई सी भी चीज मत जोड़ देना। यहाँ पर ये वाला आयनिक है KCN, कार्बन वाली साइड फ्री है इस वजह से CN बना, यहाँ पर ये कोवलेंट है नाइट्रोजन वाली साइड फ्री है इस वजह से NC बना, KNO2 में ऑक्सीजन वाला NO2 में ऑक्सीजन वाली साइड फ्री है इस वजह से CH3ONO बना, यहाँ पर AgNO2 में नाइट्रोजन वाली साइड फ्री है इस वजह से CH3NO2 बना। समझ में आ गई? अच्छी तरीके से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिए। चलो आगे चलते हैं, अब इसी में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे थे केमिकल, इसमें आपको पढ़ना है SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक
यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिक्यूलर SN1, 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, 2 का मतलब बाई मोलिक्यूलर, ठीक है। SN1 वाली 2 स्टेप होती है, ये वाली होती है SN2 वाली 1 स्टेप। मोटा मोटा पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है आपको। SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है SN1 में? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहां पर क्या होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से ये ऑर्डर है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से यहां पर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर फायदा पहुंचाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर नुकसान पहुंचाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। अब बात आती है सर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो हमें समझा दीजिए सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी हेलो एल्केन्स होते क्या है? CH2X, एक मैंने CH3 और जोड़ दी। ये X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, क्या बोलेंगे? प्राइमरी। सी और एक्स, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से मान लीजिए दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे इसे? सेकेंडरी। कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है और दो नहीं, अब की बार 3 एल्काइल ग्रुप, हम यहां पर CH3 लिख देते चलो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी। एक्स कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी। एक्स कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी। एक्स जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्शरी। बहुत ही आसान। आप देखो यहां पर प्राइमरी वाले कार्बन, प्राइमरी हेलो एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, अगर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है टर्शरी है। बहुत ही आसान, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, 2 स्टेप की होती है। रिएक्टिविटी देखेंगे SN1 में तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हेलो एल्केन इस ऑर्डर में देते हैं, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। SN2 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमोलिक्यूलर, 1 स्टेप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। प्राइमरी क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, इसको कॉल्ड टर्शियरी। SN2 में एक चीज याद रखना, इसमें इन्वर्जन ही होता है, इन्वर्जन ही होगा। इसमें क्या होगा? इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों चीजें हो सकती हैं। आगे पढ़ेंगे रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको ये याद कर लेना, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है? इसमें इन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, आगे चलते फिर। चलिए अब क्या करा,
दो कंपाउंड है आपके सामने, दो हेलो एल्केन। ये वाला मैं आपको कह रहा हूं टर्शरी है, ये वाला मैं आपको कह रहा हूं सेकेंडरी। कैसे सर? हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उससे ऐसे तीन लाइंस जा रही है, इसका मतलब तीन सी एस थ्री जुड़े हुए। आपको पता है तीन सी एस थ्री जुड़े हुए एक ही पॉइंट में आके मीट हो रहे हैं, कैसा होगा? टर्शरी। ये एक्स जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उससे क्या ये सी एच टू सी एच थ्री, एक एल्काइल ग्रुप सी एच टू सी एच थ्री, दूसरा एल्काइल ग्रुप। सर तीन ही तो बॉन्ड हो रहे हैं, चौथा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन तो कोई गिनती में नहीं है, सेकेंडरी। अब आपसे पूछने लग जाए कि भैया इसमें बताना जरा एस एन वन कौन जल्दी देगा। अब आप कहोगे एस एन वन कौन जल्दी देगा, तो भैया दिक्कत वाली बात हो गई, टर्शरी सेकेंडरी फिर प्राइमरी होता है। अब आप देख लो कौन देगा एस एन वन में जल्दी, ये वाला। वो कहता है एस एन टू में बताना, उल्टा कर दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। एस एन टू में कौन सा देगा? क्यों क्यों? एस एन टू में ऑर्डर क्या होता है रिएक्टिविटी का? प्राइमरी, प्राइमरी है ही नहीं, फिर कौन होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। बस आपको ये कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कब और क्या पूछा जा रहा और हमारे पास क्या है। एस एन वन पूछे तो ये ऑर्डर याद रखो, एस एन टू पूछे तो ये ऑर्डर याद रखो। स्ट्रक्चर या नेम से अगर क्वेश्चन दे रखा है आपको, बस प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। इन केस अगर दोनों ही सेकेंडरी है या दोनों ही प्राइमरी है, आपको ये ध्यान रखना है टर्शरी है तो आपको ये ध्यान रखना है किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है या कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर दोनों सेम है तो उस टाइम में स्टेरिक हिंड्रेंस से सॉल्व होगा क्वेश्चन, और स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है और सेकेंडरी टर्शरी फिर तो आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं भाई, हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारा तीसरी एक केमिकल प्रॉपर्टीज की रहती है, उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, एल्कोहलिक के ओ एच। क्या कर दिया सर, समझा दो पहले। डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब पता है आपको एच, हेलो एक्स, ये दो चीजें निकलेंगी और क्या बनेगा, ऐसे याद रखना डबल बॉन्ड। ये दोनों चीजें जब भी निकलेंगी हाइड्रोजन हेलोजन तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। रिपीट करो, दोनों चीजें जब निकलेंगी हाइड्रोजन हेलोजन क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहां से निकालो सी एल क्लोरीन, ये सी एल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी से हाइड्रोजन नहीं निकालना, उसके बराबर वाले से हाइड्रोजन निकालना है। मतलब कि इन यहां से इस वाले से हाइड्रोजन निकालना है। अब मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूं, क्या बना सी एच टू, डबल बॉन्ड आ जाएगा सी एच टू, क्या निकला। अब आप देखो एक ये वाला सी एल निकल गया, एक यहां से कौन निकल गया एच निकल गया, एच यहां से निकला सी एल यहां से निकला, क्या आ गया डबल बॉन्ड। इसको ही हम बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, कि रिमूव हो जाना हाइड्रोजन और हेलोजन का एक साथ। ए एल सी एल्कोहलिक एल्कोहल, सर अगर एक्वस होता भैया बात यह अलग हो जाती, तब ये एलिमिनेशन में नहीं जाता, तब ये सब्स्टिट्यूशन में चले जाता, क्या बनता सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, एल्कोहल बन जाता भाई एक्वस में एल्कोहल। याद रखना अच्छी तरीके से, हेलो एल्केन की अगर रिएक्शन करवाते हैं आप एल्कोहलिक के ओ एच के साथ, डबल बॉन्ड आएगा, एक्वस के साथ करवाएंगे ओ एच आएगा, एल्कोहलिक के साथ करवाएंगे डबल बॉन्ड आएगा, एक्वस के साथ करवाएंगे ओ एच आएगा,
अच्छी तरीके से याद रखना इसे, ठीक है, नोट डाउन करिए इसे फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। इसी में ही एक अच्छा पार्ट आता है, क्या? CH3, CH, 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 यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ, चलो BR जोड़ दिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH3, यहाँ कर देता हूँ CH2, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ। अब आपको ध्यान से देखना है जो मैं बताने आ रहा हूँ। सेट जेफ रूल लगेगा, सेट जेफ रूल क्या होता है? सेट जेफ रूल, अगर मान लीजिए आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर मैं यहाँ से H हटाता हूँ इस वाले से और यहाँ से BR हटाता हूँ, क्या बनेगा? CH3, CH2, CH double bond CH2। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ इस वाले से तो क्या बनेगा? CH3, CH double bond, ये वाला BR जाएगा, ये वाला BR जाएगा। अब ये वाला BR अगर जाता है क्या बन जाएगा? CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और क्या आ जाएगा? CH3। भाई दो प्रोडक्ट बने ना, अगर मैं इस वाले से हटाता हूँ, यहाँ से H हटाया तो ये बना, अगर मैं यहाँ से H हटाता हूँ तो ये बना। सर कौन सा बनाए हम? ये वाला बना, ये वाला बना, दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है। सेट जेफ को याद करो, सेट जेफ ने बोला है कि आपका वाला प्रोडक्ट मेजर होगा जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, एल्काइल चेन सब्सटीट्यूटेड होगा, जहां पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। कैसे सर एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे? अब आप देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ठीक है, यहां पर एक एल्काइल चेन, एक हीरा एल्काइल चेन, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए। इसमें देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यहां पर क्या केवल एक ही एल्काइल चेन है, ठीक है। ये वाला मेजर, ये वाला माइनर, मेजर माइनस, ठीक है। 80% ये वाला मिलेगा, 20% के आसपास ये वाला मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं यहां से निकालूं, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा कार्बन से निकालूं इस वाले से या इस वाले से, तो याद रखना उस वाले में से आपको निकालना है जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन एटम बनने के बाद दोनों साइड या फिर कहीं डबल बॉन्डेड एटम के अक्रॉस में ज्यादा एल्काइल चेन आनी चाहिए, इस कॉल्ड सेट जेफ रूल, ठीक है। हेलो एल्केन का यहां पर पार्ट होता है कंप्लीट, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूं एक दो, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल हो गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैसे होते हैं ये? स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं, किसमें? वाटर में। क्यों होते हैं? इतनी अच्छी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इस वजह से स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। और तीसरी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, अब मैं आपके सामने एक हेलो एल्केन लिखता हूं, मैं लिखता हूं CH3Cl, एक मैंने लिखा CH2Cl2, दो आपको मैंने हेलो एल्केन दे दिए, मैंने कहा किसकी डेंसिटी ज्यादा है, आप सीधा देख लेना हेलोजन किसमें ज्यादा है। हेलोजन सर ज्यादा इसमें, तो सर डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी। क्यों इसकी डेंसिटी क्यों होगी? डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास जिसका ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। सर अगर यहां पर CH3 ही होता और यहां पर BR होता, अब बताना किसकी डेंसिटी ज्यादा होती? देख लो कौन सा बड़ा हेलोजन है, भाई BR ज्यादा बड़ा है, BR का मास ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। हमने क्या करा? हमने हेलो एल्केन पढ़ा, IUPAC करी, IUPAC करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये कवर करा, करने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी एट लास्ट। यहाँ पर हमारा आधा पार्ट होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम हेलो एरिन्स को कवर करेंगे, ठीक है।
तब तक ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।